हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और ISO 22000 की सीरीज़ में आज ये वीडियो नंबर 3 है और टर्म्स एंड डेफिनेशन में ये वीडियो नंबर 2 है। तो आइए आज कुछ आवश्यक डेफिनेशंस की चर्चा करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे ऑडिट से। बेसिकली ऑडिट क्या है? एक सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जिससे कि ऑडिट का एविडेंस निकलता है और एवेल्युएट करती है। किसके साथ में एवेल्युएट करती है? ऑब्जेक्टिव के साथ में एवेल्युएट करती है और डिटरमाइन करती है किस एक्सटेंट तक ऑडिट का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। अब अगर कोई भी ऑडिट है तो उसका कोई भी क्राइटेरिया जरूर होगा, बिना क्राइटेरिया की कोई ऑडिट नहीं होगी। सपोज कीजिए आपको सेफ्टी ऑडिट करनी है या आपको मेंटेनेंस की ऑडिट करनी है, तो आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया और ऐसे ही नहीं ये सिस्टमेटिक है, बिकॉज कि आप कोई प्लान बनाते हैं, आपका एक शेड्यूल होता है और शेड्यूल के हिसाब से आप प्लान बनाते हैं और तब जाके ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस चलता है। तो ऑडिट जनरली बहुत आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट जरूर कराते हैं जिससे कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बनी रहे और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। और ऑडिट में क्या है? एन ऑडिट कैन बी फर्स्ट पार्टी ऑडिट और एक्सटर्नल पार्टी ऑडिट, जिसको कि सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये दो टाइप की होती है, लेकिन एक्सटर्नल पार्टी ऑडिट को दो पार्ट में और डिवाइड किया जाता है जिससे कि वो सेकंड और थर्ड पार्टी ऑडिट होती है। नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होती है। फिर इंटरनल ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि कंडक्ट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खुद से, और कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी पार्टी को हायर करता है अपने बिहाफ पे इंटरनल ऑडिट कराने के लिए। एक और खास बात, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट क्राइटेरियल आर डिफाइंड इन ISO 19011। अगर ऑडिट की और बारीकी से बात को समझना है, जानकारी लेनी है, तो ISO का स्टैंडर्ड है 19011, जिसमें कि पूरा एविडेंस, ऑडिट का क्राइटेरिया, ये सब की काफ़ी डिटेल में उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई है। कुछ रिलेवेंट डिसिप्लिन्स हैं जिसमें कि अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसी तरह से ओसास भी एक इसमें आपको ले सकते हैं, जो इसके रिलेवेंट डिसिप्लिन्स हैं जिनमें कि ऑडिट होती है। तो क्योंकि ये जो वीडियो सीरीज़ है ये ISO रिलेटेड ही डेफिनेशंस की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो आइए इसके कुछ और ज़रूरी बातों को, ऑडिट की ज़रूरी बातों को आगे हम समझते हैं। क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट पार्टी की ऑडिट की बात करें कि फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या होती है, फिर बात करें कि सेकंड पार्टी क्या होती है और थर्ड पार्टी, तो देखिए इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर कैसे हो जाता है? अंतर सिस्टम में हो जाता है, और जब सिस्टम में अंतर होता है वो तो वो चीज़ें हमें थोड़ा अलग से समझ में आती हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्टी ऑडिट अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कराएगा तो वो उसकी इंटरनल ऑडिट होती है, एक तरह से अगर देखें तो वो इंटरनल ऑडिट ही कहलाती है। दूसरी बात, अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद के कोई रिक्वायरमेंट हैं या खुद के ही कोई स्टैंडर्ड हैं उनको वो फुलफिल करेगा, इसलिए वो फर्स्ट पार्टी ऑडिट करेगा। कभी कभी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कुछ होती हैं जिनको कि वो अपने एंड पे कंफर्म करके इस ऑडिट को जरूर कंडक्ट करता है। तीसरा क्या हो सकता है कि कोई इम्प्रूवमेंट के टूल्स हैं और उन टूल्स को आप फुलफिल करना चाह रहे हो, तब भी आप फर्स्ट पार्टी ऑडिट करेंगे। और क्या हो सकता है कि आप सर्टिफिकेशन के लिए कुछ प्रोसेस को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उस सर्टिफिकेशन के लिए इंटरनल ऑडिट आपने रिक्वायर्ड की हुई है, तो इस वजह से भी आपको फर्स्ट पार्टी ऑडिट करनी होती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली खुद के ही डेवलप किए गए ऑडिटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के खुद के, अगर वो खुद के डेवलप नहीं होते तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर सकते हैं, आप हायर करें और हायर करने के बाद फिर वो ऑडिट उनसे कंडक्ट करा सकते हैं। तो सिंपल टर्म में क्या है कि इस तरह से आप फर्स्ट पार्टी की ऑडिट कंडक्ट करा सकते हैं और ISO के जो डेफिनेशन है उसको इस तरह से आप समझ भी सकते हैं। सेकंड पार्टी ऑडिट को बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट ही कहा जाएगा, ये एक एक्सटर्नल ऑडिट होती है।
दूसरा क्या होता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होंगी, उनके बिहाफ पे आप अपने हिसाब से उस ऑडिट को कराना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कुछ इम्प्रूवमेंट कराना चाह रहे हैं। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, आप मान लीजिए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग आप लेना चाह रहे हैं, आप मान लीजिए 5S का सर्टिफिकेशन लेना चाह रहे हैं, तो क्योंकि आपके बेस सर्टिफिकेट पे इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट आता है, लेकिन उसकी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस वजह से ये एक तरह से डेवलपिंग पार्ट में आ जाएगा और ये भी आपकी एक्सटर्नल पार्टी की ऑडिट ही कहलाएगी, इसी वजह से फिर ये सेकेंड पार्टी ऑडिट हो जाता है। हाँ, एक बात और इसमें कि आपका कोई भी सिस्टम हो या स्टैंडर्ड हो जो कि आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उससे इस चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है अपने स्कोप में। अब थर्ड पार्टी की ऑडिट की अगर बात करें, ये भी एक्सटर्नल ऑडिट होती है, इसमें आप क्या खास करते हैं? इसमें आप कंप्लायंस की फुलफिलमेंट को देखते हैं, जो कंप्लायंस है वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे कि कंप्लायंस क्या क्या हो सकते हैं, कंप्लायंस आपके लीगल हो सकते हैं और रेगुलेटरी बॉडी के कंप्लायंस हो सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडी आपको हमने पिछली वीडियो में बताया ही है क्या होती हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर फायर डिपार्टमेंट, फायर सेफ्टी, FSSAI की ऑडिट्स, तो ये इस तरह के कंप्लायंस को आप फुलफिल कराने के लिए भी ये ऑडिट होती है। ये एक अगर देखा जाए तो एक लीगल बॉडी की ऑडिट कही जाती है। अब लीगल बॉडी की सपोज कीजिए कि आपने कोई FSMS सर्टिफिकेट लिया हुआ है, अब FSMS सर्टिफिकेट आपने किसी पर्टिकुलर XYZ एजेंसी से लिया हुआ है, लेकिन वो XYZ एजेंसी किसी भी ऑथराइजिंग बॉडी से सर्टिफाइड है, मान लीजिए NABCBC सर्टिफाइड है, तो ये पूरा प्रोसेस कुल मिला के यहाँ पे जब आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ऑडिट कंडक्ट कराएंगे तब जाके ये पूरा क्राइटेरिया फुलफिल माना जाता है। दूसरा पार्ट है कॉम्पिटेंस का। कॉम्पिटेंस की जैसे डेफिनेशन में दिया है, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट। काफी कुछ खास है इस एक लाइन में, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट। इंटेंडेड रिजल्ट क्या आपको चाहिए, आपने क्या स्टैंडर्ड बनाया है और आपको क्या चाहिए। आपने जो इंटेंडेड रिजल्ट की बात की थी, आपने स्कोप में कुछ समझा था कि इस इंटेंडेड रिजल्ट क्या होता है। अगर हम एक फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारा इंटेंडेड पर्पस क्या है, सेफ फूड बनाना। जब सेफ फूड बनाना आपका इंटेंडेड पर्पस है तो आप डेफिनेटली रिजल्ट भी वही चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्किल चाहिए। अब स्किल कैसे मिलेगी, हर एक सेक्शन में आपको स्किल की नीड होगी। एक अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, पहले तो प्रोसेस देख लें कि उसमें प्रोडक्शन भी होता है, मेंटेनेंस भी होता है, लैब की टीम होती है, सिस्टम की टीम होती है सिस्टम को चलाने के लिए, आईटी सेक्टर भी हो सकता है और स्टोर भी हो सकता है। ये फील्ड है एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के, ये फील्ड है। तो प्रोडक्ट वाले लाइन से अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उससे आपको किस तरह की स्किल चाहिए कि वो किस तरह से सेफ प्रोडक्ट बना पाए, हाउ टू प्रोड्यूस सेफ प्रोडक्ट, यही तो स्किल चाहिए उसमें। और मेंटेनेंस का, हाउ टू रिपेयर और मेंटेन मशीन, और लैब की टीम से टाइमली परफॉर्म करे टेस्टिंग, पैरामीटर को चेक करे, सिस्टम सिस्टम को रन करने की नॉलेज,
आईटी सेक्टर, सेफ्टी कंसर्न, विजिलेंस, स्टोर, हाउ टू स्टोर मटेरियल, उसकी प्रैक्टिस, उसकी कंडीशंस, उसकी एसओपी। तो बेसिकली आपको स्किल्स चाहिए इस टाइप की, क्योंकि आपके पास रिलेवेंट फील्ड है, रिलेवेंट सेक्टर है इन काम को करने के लिए। तो यहां पे केवल यही बात बोला गया है कि एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके पास में वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए, जिससे कि वो इंटेंडेड रिजल्ट अपना ऑर्गेनाइजेशन में दे पाए। और ये सब किस लिए नीड है? ये सब नीड है क्योंकि आपको पता है कि आपको सेफ फूड चाहिए, क्योंकि आपने स्कोप में ये बात क्लियर की है कि आपको सेफ फूड बनाना है, ये आपका इंटेंडेड पर्पज है। नेक्स्ट बात करते हैं कन्फर्मिटी की। देखिए, इसकी डेफिनेशन में काफी कुछ खास है। फुलफिलमेंट ऑफ ए रिक्वायरमेंट, सीधी बात है कि अगर रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होगी तो वो कन्फर्मिटी होगी। मतलब कोई भी प्रोडक्ट, अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल होनी चाहिए, और अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो तो नॉन कन्फर्मिटी। सिंपल सी बात। तो कन्फर्मिटी किस चीज के लिए है? डिफाइन डिफाइन किया गया फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए होगी? बेसिकली रिक्वायरमेंट जब होती है तो वो एक तरह से स्टैंडर्ड की फॉर्म में आ जाती है। अगर रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की फॉर्म में आ जाएगी तो जो ऑर्गेनाइजेशन, लीगल और सिस्टम, इन तीनों चीजों पे भी वो स्टैंडर्ड काम करेगा, और जब स्टैंडर्ड काम करेगा तो उसके स्कोप में जो डिफाइंड रिक्वायरमेंट हैं वो आपको फुलफिल करनी होंगी। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट भी कहां से निकलती है? कहीं ना कहीं स्कोप से मैच हो रही है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपकी प्रिमाइसिस में, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लीगल, सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट हैं तो उनको फुलफिल ही करना होगा, और जब आप फुलफिल कर लेंगे तो डेफिनेटली आप कन्फर्मिटी करेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ में, नहीं तो सब नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। कंटामिनेशन। कंटामिनेशन की जो डेफिनेशन में बात की गई है, इंट्रोडक्शन और अक्रेंस ऑफ ए कंटामिनेशन, इंट्रोडक्शन और अक्रेंस ऑफ ए कंटामिनेशन इंक्लूडिंग ए फूड सेफ्टी हजार्ड इन ए प्रोडक्ट और प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट। अगर किसी भी तरीके से प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में या प्रोडक्ट में किसी भी सोर्स से, कहीं से भी कंटामिनेंट अगर आ जाता है, देखिए कंटामिनेशन और कंटामिनेंट दोनों अलग अलग चीज है, कहीं से भी कंटामिनेंट आ जाता है, कंटामिनेंट मींस हैजार्ड कहीं से आ जाता है, हजार्ड कुछ भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो जब हजार्ड कहीं से आ जाता है, कहीं से नहीं प्रोसेस से आएगा, बेसिकली हजार्ड कहां से आएगा? प्रोसेस से आ जाता है। तो आपको प्रोसेस के पैरामीटर और प्रोसेस रिलेटेड कंट्रोल मेजर चेक करने होते हैं। जब कंट्रोल मेजर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप की हजार्ड है, और जब आपको ये पता लग जाएगा किस प्रकार की वो हजार्ड है तो डेफिनेटली आप ये भी पता लगा लेंगे कि वहां पे उस प्रोडक्ट को अनसेफ बनाने के लिए, सेफ नहीं, अनसेफ बनाने के लिए कौन सी कंटामिनेशन हो चुकी है। तो इसको कैसे समझते हैं? इसको समझते हैं इस तरीके से, अगर किसी भी प्रोसेस में किसी भी वजह से, किसी कारण से भी कोई भी कंटामिनेंट, मींस कि कोई हजार्ड के आने के चांसेस हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। हमको समझना ये है कि इस कंटामिनेशन को नहीं होने देना, ये प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कंटामिनेशन आने का मतलब है कि आपका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और रेगुलर अगर इस तरह की कंटामिनेशन अगर मिल रही है तो आपका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम
कोलैप्स कर चुका है। नेक्स्ट कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू रखता है इस पूरे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। अगर हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को ही लेके चलें तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहली बात तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस से भी ऊपर है। एक तरफ अगर कंटिन्यूअस को रखें और एक तरफ अगर कंटिन्यूअल को रखें तो ये कंडीशन बनेगी, कंटिन्यूअल कंटिन्यूअस से बड़ा होता है। कारण क्या है? अगर आप नॉर्मली एक पीडीसीए साइकिल देखें तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, फिर उसको चेक कर रहे हैं और फिर एक्ट कर रहे हैं, और फिर ये इस तरह से आपका सर्किल बन रहा है जो कि लगातार चल रहा है। ये रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। अब कंटिन्यूअल में क्या फर्क आता है? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम करते रहना और उसमें कोई गलतियां ना होना, ये इम्पॉसिबल सी बात होती है। तो आपका प्रोसेस अच्छा चले और लगातार अच्छा चलता रहे, बीच बीच में अगर कुछ कमियां आए तो फिर से वो उठ खड़ा हो जाए, सिस्टम गिरे ना, सिस्टम कोलैप्स ना करे, उसके लिए नीड है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की। ये टर्मिनोलॉजी ISO 22000 में एडिशनली ऐड की गई है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं। आप सपोज कीजिए आप ए पॉइंट पे हैं और आप यहां पे पहुंचना चाह रहे हैं बी पॉइंट पे, तो आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे। इतनी दूरी तय की, आप यहां आ गए, उसके बाद आप इस पॉइंट पर रुकिए, फिर थोड़ा और चलिए, फिर अपने आप को रोक लीजिए, फिर थोड़ा और चलिए और फिर अपने आप को रोक लीजिए। तो इन पॉइंटों को ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश और इसको डी मान लेते हैं। इस पॉइंट पे आपको पहुंचना है, इसको डी मान लेते हैं। तो यही सिस्टम क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये जो चक्र है, अगर ये गोल गोल डायरेक्ट ही चलता, अगर ये मान लीजिए ऐसे चलता तो आप ऐसे पहुंचते, और यहाँ स्लोप बना हुआ है, आप जैसे ऊंचाई पर चढ़ते उस तरह से आप नीचे भी गिर सकते थे। ये जो बीच में ब्रेकर नहीं जो लगे हुए हैं, ये बेसिकली ब्रेकर नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी है। यहां से आप सस्टेन कर रहे हैं सिस्टम में, यहां आप काम कर रहे हैं और यहां आप लगातार कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं उस पोजीशन पे जाके। जब कोई ग्रेड अप होता है तो उस पॉइंट पे रुक के रहना बहुत कठिन होता है। ये कहते हैं ना कि चोटी पे पहुंचना ज्यादा कठिन नहीं है जितना कि वहां पे रुके रहना है, क्योंकि वहां पे आप केवल अकेले हो और आप टॉप पे हो तो आपके गिरने के चांस भी ज्यादा है। इसीलिए ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, कि आपको थोड़े थोड़े स्टेप में कदम बढ़ाने हैं, फिर अपने आप को सस्टेन करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, फिर आगे बढ़ना है, फिर सस्टेन करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर सस्टेन करना है, और फाइनली आप अपने आप को यहां पे आके मेंटेन कर पाएंगे। और जब आप अपने आप को मेंटेन कर लेंगे तब आप कहें कंट्रोल मेजर। बेसिकली कंट्रोल मेजर क्या है? एक एक्शन है या एक्टिविटी है दैट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट ए सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार्ड और रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। पिछली वीडियो में कंट्रोल मेजर की हम काफी बात कर चुके हैं, लेकिन यहां दो बातों से समझते हैं। पहली बात क्या? पहली बात तो एक्शन और दूसरी बात एक्टिविटी, दो ही चीज हैं जो कि कंट्रोल मेजर के लिए जरूरी होती हैं। एक्शन क्या करेंगे और एक्टिविटी क्या होगी, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज कीजिए एक फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, तो उसके यहाँ कुछ एक्टिविटीज होती हैं जहां पे कि कंट्रोल होता है। अगर आपको सेफ प्रोडक्ट बनाना है तो डेफिनेट बात है कि सेफ प्रोडक्ट बनाने के लिए एम्प्लॉय भी सेफ होने चाहिए। तो एम्प्लॉय का एंट्री करना
ऑर्गेनाइजेशन में विद एनी टाइप ऑफ हजार्ड या वायरस, क्या करेगा? ये सेफ प्रोडक्ट बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो आपके जो कंट्रोल पॉइंट होगा, सपोज कीजिए आपने एंट्रेंस में एयर कर्टेन लगाया है, आपने हैंड वॉशिंग स्टेशन लगाया है या हैंड सैनिटेशन किया है, या आपने पीवीसी स्ट्रिप लगाई है या फ्लाई कैचर्स लगाए हैं, तो ये सब एक्टिविटी हैं, ये सब एक्टिविटी हैं। और ये एक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लिखा है ना ऊपर एसेंशियल एक्शन और एक्टिविटी दैट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट ए सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार्ड। इनसे फूड सेफ्टी हजार्ड ही नहीं, सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार्ड कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है या फिर उसको कह सकते रिड्यूस होता है। और एक्सेप्टेबल लेवल की तो काफी लंबी चर्चा हो चुकी है, आपको मालूम ही है कि एक्सेप्टेबल लेवल क्या होता है। तो इसीलिए कंट्रोल मेजर एक एक्शन और एक्टिविटी के माध्यम से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करना है। कुछ एक्शन रिलेटेड अगर बात करें, सपोज कीजिए आपने कंट्रोल मेजर मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ है या आपने मैग्नेट लगाया हुआ है या सीव वगैरह लगाई हुई है या फिर पैकेट का रिजेक्शन कुछ सिस्टम लगाया हुआ है या वेमेंट रिलेटेड कोई मेजरमेंट आपने लगाए हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब कंट्रोल मेजर हैं और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है करेक्शन की। ये क्या है, एक्शन टू एलिमिनेट अ डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी। अगर प्रोडक्ट, अभी कन्फर्मिटी की बात की थी, अगर प्रोडक्ट में नॉन कन्फर्मिटी आ गई है, किसी भी तरीके से नॉन कन्फर्मिंग हो गया प्रोडक्ट, तो क्या किया जाए, एक्शन किया जाए क्या करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए। अगर एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में कोई नॉन कन्फर्मिटी आई, सपोज कीजिए वेट लेस हो गया, वेट कम आया, तो अब आपको क्या करना है, उस डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी को ठीक करना है। पहले अगर आपने डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी को ठीक किया, तब आपने केवल करेक्शन किया, आप समझ रहे हैं, फॉर हैंडलिंग ऑफ पोटेंशियल अनसेफ प्रोडक्ट, क्योंकि अब वो पोटेंशियली अनसेफ हो गया है अकॉर्डिंग टू वेट। अगर उसमें कोई भी हजार्ड आ गया या कोई भी कंटामिनेशन मिल गई, अब उस हजार्ड या कंटामिनेशन को अगर आपने ठीक कर दिया, तब आपने फिर उसको बचाया, तो केवल आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक किया है। अब जब आप केवल उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, तब आप करेक्शन ही करते हैं, ये केवल करेक्शन होता है, क्योंकि आपने बाकी प्रोसेस पे कुछ नहीं किया, रिअकरेंस पे आपने कुछ नहीं किया, तो ये केवल रिअकरेंस को रोकने के लिए नहीं, ये केवल आपने उस पर्टिकुलर चीज को ठीक किया है। अगर आगे इसको देखिए, फॉर रिप्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग एलिमिनेशन ऑफ द एडवर्स कंसिक्वेंसेस ऑफ द कन्फर्मिटी या डिस्पोजल फॉर अदर यूज और स्पेसिफिक लेबलिंग, यहां पे बात थोड़ी टफ हो जाती है, थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है। कैसे, सपोज कीजिए आप करेक्शन करना चाह रहे थे, एक प्रोडक्ट है जिस पे की कोडिंग गलत होगी, बैच नंबर और पीकेडी गलत हो गया, अब बैच नंबर पीकेडी को करेक्ट करना आसान नहीं है। मान लीजिए आपने इसको करेक्ट कर लिया, तो बाकी जो वेस्टेज हुआ, जो पैकेट्स हुए, उनकी अगर किसी ने मिसहैंडलिंग कर दी या वो ऑर्गेनाइजेशन से कहीं बाहर चला गया या उसने उसको किसी अलग प्रोडक्ट में अगर किसी भी माध्यम से पैक कर दिया गया, तो वो एक तरह से लीगल इशू हो जाएगा, और जब लीगल इशू हो जाएगा तो यहां पे वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए इसमें करेक्शन में ही इस बात को याद रखना है कि अगर कोई लीगल इशू, नॉर्मल इशू है तो आप कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं, अगर लीगल इशू है तो उसको जब तक आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, तब तक वो करेक्शन की सीरीज को फुलफिल नहीं करेगा, आपको उसको डिस्पोज ऑफ ही करना होगा। करेक्टिव एक्शन, ये थोड़ा सा एक कदम आगे है, बेसिकली दो तीन कदम आगे है।
कैसे? एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज. नॉन कंफर्मिटी जब आती है तो नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट बनता है. तो क्या करता है? एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ ए नॉन कंफर्मिटी एंड टू प्रिवेंट रीअकरेंस. यहां पे ये स्पेसिफिक काम करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नॉन कंफर्मिटी रेज हुई तो उस नॉन कंफर्मिटी के बाद में आपने करेक्शन किया. करेक्शन करने के बाद में अब आपको करेक्टिव एक्शन लेना है, क्योंकि देयर कैन बी मोर देन वन कॉजेज फॉर ए नॉन कंफर्मिटी. एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की नॉन कन्फर्मिटी के. और करेक्टिव एक्शन क्या इंक्लूड करता है? कॉज एनालिसिस. अगर आप इसको इस तरह से समझें कि केवल कॉज है तो कॉज पे आप ज्यादा तह तक नहीं पहुंच पाएंगे. आप कॉज एनालिसिस को ऐसे समझें, एक समस्या है और उसका कोई कारण है, तो कारण तक मत जाइए, आप इसका रूट कॉज देखिए. और जब आप रूट कॉज देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसके तो बहुत और ज्यादा भी चांसेस हैं. तो सबसे आसान तरीका, जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग में सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वाई वाई एनालिसिस. जब वाई वाई एनालिसिस आप करेंगे तो माना यह जाता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे 5 बार वाई 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 और वाई लगा देते हैं तो नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. एक एग्जाम्पल अगर इसमें लें फूड सेक्टर का ही, एक सुपरवाइजर को एक प्रोडक्ट में एक पैकेट में कट मिला, तो उसने पूछा कि कट क्यों आया. ऑपरेटर से पूछा तो ऑपरेटर ने बताया कि मशीन की चेन या कटर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा. उसने पूछा, कटर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा क्यों? उसने कहा कि इसका ऑटोनोमस मेंटेनेंस नहीं हुआ. ओके, ऑटोनोमस मेंटेनेंस नहीं हुआ क्यों? फिर वाई लग गया. मतलब प्लांट की या ऑर्गेनाइजेशन की उस दिन हॉलीडे थी, छुट्टी थी. नॉर्मली 5 पॉइंट तक नहीं पहुंचता है, उसको क्लियर हो गया कि जिस दिन शेड्यूल था उस दिन तो हॉलीडे था. अब हॉलीडे था तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस नहीं हुआ, मेंटेनेंस नहीं हुआ तो कटर को किसी ने देखा नहीं, और कटर को किसी ने नहीं देखा तो पैकेट में कट आ गया. तो ये एक जनरल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया. जनरली करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए आपको कम से कम वाई वाई एनालिसिस तो करना ही चाहिए. इसके अलावा अगर आप इसके और बड़े लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप परेटो चार्ट भी बना के देख सकते हैं. ये अलग टूल्स हैं लेकिन ये इस्तेमाल हो सकते हैं. आप फिश बोन डायग्राम भी बना सकते हैं. फिश बोन डायग्राम काफी अच्छा टूल है